तो आज हम लोग सेल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है साइटोप्लाज्म, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लेट्स से दिस इज वन सेल। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि सेल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है। सो ये न्यूक्लियस है, और हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये क्रोमाटिन फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर यहाँ पर ये जो है, ये है न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन यह पूरा नहीं है। इस फ्लूइड के अंदर और भी चीज़ें हैं। इस फ्लूइड के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और कभी कभी ये खाली भी होता है, जुड़ा हुआ नहीं भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, उसी तरह से गॉल्जी एपरेटस हो गया। इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, राइबोसोम्स। उसी तरह से लाइसोसोम्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ से, इस सेल से अगर आप इस न्यूक्लियस को हटा देते हैं, मतलब इमेजिन कि यहाँ से न्यूक्लियस को अगर हमने हटा दिया, सिर्फ न्यूक्लियस को अगर हटा दे, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है, न्यूक्लियस को अगर छोड़ दिया जाए, न्यूक्लियस के बाहर और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो आपको दिख रहा है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से हमने न्यूक्लियस को हटा दिया है, तो जो भी दिख रहा है यही साइटोप्लाज्म है। तो अब इस साइटोप्लाज्म को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप गौर से देखिए, ये क्या है? साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर सारी चीज़ें, ये सेल है, इसके अंदर की सारी चीज़ें, ये ऑर्गेनल्स मिला के सारी चीज़ें एक्सेप्ट न्यूक्लियस। तो इसे हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, साइटोप्लाज्म इज ऑल ऑफ द मटेरियल, सारे मटेरियल, इज ऑल ऑफ द मटेरियल ऑल ऑफ द मटेरियल विद इन अ सेल, सेल के अंदर, विद इन अ सेल, सेल के अंदर सारे मटेरियल एक्सेप्ट किसे छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर द सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ दे तो बाकी जो भी चीज़ें हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम दो बेसिक पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स। एक पार्ट में तो ये सेल ऑर्गेनल्स हो गए, सो सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मैं इन शॉर्ट ER लिख रहा हूँ, जैसे कि गॉल्जी एपरेटस, मैं इन शॉर्ट GA लिख रहा हूँ, और जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए हैं, सो राइबोसोम्स एट्सेट्रा। और दूसरा पार्ट जो है, अगर इन सेल ऑर्गेनल्स को हटा दे तो यहाँ पर एक फ्लूइड होगा। ये जो फ्लूइड है, यहाँ पर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को कहा जाता है साइटोसोल। सो दिस इज साइटोसोल। ये साइटोसोल मोस्टली पानी से बना हुआ होता है, मोस्टली यहाँ पर होता है पानी, सो वाटर। साइटोसोल का एक पार्ट तो है वाटर, मैं यहाँ मोस्टली लिख देता हूँ, ज़्यादातर साइटोसोल का ज़्यादातर हिस्सा पानी है। इतना ज़्यादा है कि एक सेल में नियरली 70% पानी मिलता है। तो साइटोसोल मोस्टली पानी से ही बना हुआ है। और दूसरा, उस पानी में कुछ पार्टिकल्स,
या तो सल्यूबल फॉर्म में डिजॉल्व होता है या फिर उसमें फ्लोट करता है। तो यहाँ पर होते हैं पार्टिकल्स, पानी और पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे आयन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत छोटे 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 आयन्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सो आयन्स होते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन ये भी होता है, तो उसे भी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैसे पार्टिकल्स होते हैं, आयन्स फॉर एग्जांपल सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, इस तरह का आयन्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म का बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया कि साइटोप्लाज्म किस चीज से बना हुआ। अब देखिए साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। सो साइटोप्लाज्म का फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, देखिए मेनली जो भी केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर वो या तो इस फ्लूइड में होगा, साइटोसोल में होगा, या फिर सेल ऑर्गेनल्स में होगा। ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सेल न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर रिएक्शन नहीं होता है केमिकल रिएक्शन। तो साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होता है, साइटोप्लाज्म एक स्पेस प्रोवाइड करता है और इसके जो सेल ऑर्गेनल्स है वो कंडक्ट करता है उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को। तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन को ये सपोर्ट करता है, मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। सो साइटोप्लाज्म केमिकल रिएक्शन, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे सपोर्ट करता है, प्रोवाइड भी करता है। अब देखिए ये सेल जो है, सेल मोस्टली देखिए साइटोप्लाज्म से ही बना हुआ है और उसमें भी देखिए साइटोसोल जो है ये एक फ्लूइड जैसा है, तो ये सेल को शेप देता है। तो नंबर टू चलिए लिख देते हैं, इट गिव्स शेप। सो इट साइटोप्लाज्म इट गिव्स शेप, लिख देता हूँ सिर्फ शेप टू द सेल। और साथ ही साथ ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनल्स को। तो प्रोवाइड्स स्पेस फॉर सेल ऑर्गेनल्स। और साथ ही साथ ये देखिए एक सेल ऑर्गेनल में अगर कुछ कंपोनेंट बनता है, कुछ केमिकल बनता है और वो दूसरे सेल ऑर्गेनल तक पहुंचना है तो बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है, वही साइटोप्लाज्म में ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर केमिकल्स, लिख देता हूँ अलग अलग केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन भी है ये साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए साइटोप्लाज्म के। अब हम लोग अगले वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स शुरू करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.